दोस्तों, गर्मियां पूरे जोरों पर है और ऐसे में लस्सी, शिकंजी और शरबत की बात होना आम सी बात है। तो गर्मी को दूर भगाने के लिए आज बनाएंगे जामुन का शरबत और बहुत ही आसान तरीके से। नमस्कार, मैं हूँ शिखा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है तिवारी किचन में आप सभी का। सबसे पहले हमें 300 ग्राम के करीब जामुन लेना है और इसका बीज हटाने के बाद ये 160 ग्राम्स के करीब है। तो अब इसको क्या करना है, आपने एक मिक्सर जार ले लेना है और इसमें पल्प को डाल के ग्राइंड कर लेना है। इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे ये चार जो स्टिक हैं लेमन ग्रास की है, इसको डाल देंगे। और इसके साथ ही ये कुछ पुदीने के पत्तियां हैं, इसको भी डाल देंगे। ये जो नरम डंठल है ये भी डाल देंगे। ये वेट वाइज अगर देखेंगे तो 25 ग्राम के करीब है। और इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर देना है। अगर आपको पानी की ज़रूरत फील होती है तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छे से हमने पीस दिया है और थोड़ा सा पानी भी डाला है। इसको अब स्ट्रेनर में छान लेंगे। हमने इसमें 25 ग्राम पुदीने का यूज़ किया है और चार स्टिक जो है लेमन ग्रास की डाली है। तो यही रेशियो आपने यूज़ करते हुए बनाना है। बहुत अच्छे से इसको छान लेना है। इसके ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसका अच्छे से पल्प और जो भी निकलना हो निकल जाए। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देंगे और इसको फिर से अच्छे से छान लेंगे। तो ये देखिए, काफ़ी सारा इसका ऑलमोस्ट ये छन गया है। बस ये वेस्ट ही रह गया है इसका। बस इसमें क्या करना है, इसको अब हटा देंगे। अब इसमें डाल देंगे ये नींबू। नींबू मतलब नींबू का रस डालना है। तो इसके बीज हट जाएं, इसलिए आप स्क्वीज़र से कर लीजिए, चाहे हाथ साफ करके हाथों से कर लीजिए स्क्वीज। बस एक ही नींबू डालेंगे, काफ़ी रस वाला नींबू है। अगर कम रस हो तो आप दो डाल लीजिए, बाकी टेस्ट करने के बाद देख लीजिए। खट्टा ज़्यादा पीना चाहते हो तो और डाल लीजिए। अब इसके साथ ही डालेंगे इसमें चीनी। अब इसमें पिसी हुई चीनी या फिर क्रिस्टल शुगर कुछ भी डाल लीजिए जो आपके पास हो। दो चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। अब साथ में डालेंगे इसमें काली मिर्च, या अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। और इसके साथ ही डालेंगे इसमें काला नमक। ये है काला नमक, ये भी आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है। और इसको बहुत अच्छे से मिला देंगे।
इसमें एक नींबू अभी और डालेंगे, क्योंकि टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा इसमें खट्टापन का कम लग रहा है, तो एक नींबू और डाल देंगे। तो आप भी ऐसे टेस्ट कर ले करके पता कर लीजिए कि कम खट्टा है या ज़्यादा है, तो जैसा भी है। तो इसलिए इसमें दो नींबू डालेंगे। एक नींबू जो है 90 ग्राम्स का है, आप ये देख लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम काली मिर्च और डाल देंगे और उसी हिसाब से नमक भी डाल देंगे और फिर इसको मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने नींबू एक और बढ़ा दिया ना, इसलिए थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालना ज़रूरी है। कितना सुंदर कलर आया ना। अब इसको ग्लास में डाल लेंगे इसको। पुदीने की लीफ से गार्निश कर देंगे। और ये जो हमने इसको चॉप किया था ना जामुन के पल्प को, ये इसमें डाल देंगे। तो लीजिए, आपका गर्मी भगाने वाला जामुन का शरबत रेडी है पीने के लिए। तो पीने में बहुत ही बढ़िया होता है, और इसमें आप बर्फ़ डाल लीजिए। और इसमें भी ऐसे डाल देंगे। तो लीजिए, आपका समर ड्रिंक पीने के लिए तैयार है। और आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।